नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं। दोस्तों, कोरोना काल में केवल आम लोगों में ही कोरोना नहीं है, देश भर की जेलों पर भी कोरोना का संकट मंडरा रहा है। इस समय बहुत सारे कैदी जो हैं कोरोना से जूझ रहे हैं। इनके लिए आज सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील डॉक्टर एपी सिंह ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका लगाई है, जिसमें COVID-19 महामारी के समय तिहाड़ जेल में जो लोग कैद हैं, जो वहाँ के कैदी हैं, उन्हें अच्छा इलाज मिले, उन्हें जीने का हक मिले और उन लोगों को, उन बीमार कैदियों को रिहा करने की उन्होंने बात की है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा है। के मुलजिमों की रिहाई की याचिका लगाई है। देखिए, आज दिल्ली माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में हमारी मुख्य न्यायाधीश से ये मांग है, जिसमें कोविड कोरोना महामारी के समय तिहाड़ जेल में खासकर 50 से 60 वर्ष तक के 781 इनमेट्स हैं और जेल में 60 से 70 वर्ष के 221 हैं तिहाड़ जेल में, तथा 70 वर्ष से ऊपर के 53 इनमेट्स हैं। और इसमें मॉडल प्रिजन मैनुअल, जिसे पुलिस रिसर्च और डेवलपमेंट ब्यूरो ने तैयार किया है, इसके आधार पर जेल के सेल के स्लीपिंग बैरक्स, सेल्स और हॉस्पिटल की सुविधा पर्याप्त नहीं है। और यही हाल देश की लगभग सभी सेंट्रल जेल का है, जिसमें उम्र दराज लोगों के कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, अधिक फैलने का खतरा है। माननीय हाई पावर कमेटी ने पिछले वर्ष तथा इस वर्ष भी मुलजिमों को छोड़ने का प्रावधान किया है, लेकिन ये प्रावधान पर्याप्त नहीं है, क्योंकि अब इस बार मरीजों को सही होने के बाद उसका जो कोरोना का नया वेरिएंट है, उसके बाद ब्लैक फंगस का भी प्रकोप बढ़ रहा है। ऐसे बुजुर्ग मरीजों को ठीक करने के लिए अच्छी तरह का इलाज और केयर और अस्पताल की आवश्यकता होती है, जो कि जेलों में मेडिकल स्टाफ पर्याप्त नहीं है, तथा 50 वर्ष के ऊपर के उम्र के कैदियों को कानूनी से भी ऊपर उठकर, कानून जो है वो कहता है वो ठीक है, लेकिन मानवता के आधार पर जीवित रहने का अधिकार है और उसके आधार पर माननीय उच्च न्यायालय को इस आधार पर विचार करना चाहिए, जिससे 50 वर्ष की उम्र से अधिक के इनमेट्स को एंटरिम बेल, इमरजेंसी बेल मिल सके और जिससे तिहाड़ के रोहिणी और मंडोली जेल में जो कैदी है उनको जिस तरह से महाराष्ट्र की माननीय हाई पावर कमेटी ने आदेश की तरह मिल सके और सभी कैदियों को स्वास्थ्य सुरक्षा तथा जीने का अधिकार का संवैधानिक अधिकार जो मूर्त रूप से मिला हुआ है वो मिल सके। आवश्यकता इस समय जिंदा रहने की, हम किस तरह से लोगों को जिंदा रख सकते हैं। कोरोना का पिछला काल देखा आपने, कोरोना का नया वेरिएंट देखा, ब्लैक फंगस देखा, और इस आधार पर जो कुछ हो रहा है उसके आधार पर हम चाहते हैं कि हर सूरत में मुलजिमों की रिहाई होकर वो उनको टीकाकरण हो सके, उनका उचित देखभाल हो सके, उनको उचित इलाज की सुविधा हो सके, उनकी उचित अस्पतालों हो सके, जिसकी वजह से मौतें न हो सके, मौत की संख्या इनमेट्स की भी कम होनी चाहिए, जो कि लगातार बढ़ रही है। और यही हाल तिहाड़ जेल का नहीं, लेकिन पूरी जेलों का, सेंट्रल जेल जो है प्रदेश में है वहां भी यही हाल है। इसलिए हमने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय से अपनी इस याचिका के द्वारा ये मांग की है कि ऐसे लोगों को उम्र के आधार पर 50 से ऊपर के लिए और कैटेगरी और क्राइटेरिया अपनाएं और उनको जल्दी से जल्दी रिहा किया जा सके, जिससे कि जेलों में मौतों की संख्या घट सके और उनको प्रॉपर टीकाकरण हो सके, उनका प्रॉपर इलाज हो सके, वैक्सीनेशन हो सके। जीवन जीने का अधिकार तो अंततः मूलता देती है और ये अति आवश्यक है। इसी पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी आदेश पारित किया है, सो मोटो संज्ञान भी लिया है, अपने आप स्वतः संज्ञान भी लिया है और उसी स्वतः संज्ञान को आगे भी बढ़ाने के लिए काम किया है, जिस आधार पर आगे उसकी प्रोसेस हो सके और उसको आगे प्रोसीजर किया जा सके। और इस बात के लिए यह आवश्यक है कि यह होना आवश्यक है। तो आपने देखा कि उन्होंने जीवन जीने के हक के लिए बात की है और इसका दिल्ली हाई कोर्ट ने संज्ञान भी लिया है और ये उन्होंने एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर की है। दोस्तों, आप मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए एमबी स्पीक्स। और चूंकि पूरे देश भर में कोरोना का संकट अभी बना हुआ है, हालांकि केसेस में कमी आ रही है, लेकिन ये समस्या अभी गई नहीं है। हम लोगों को, हम सभी लोगों को कोरोना का प्रोटोकॉल फॉलो करना है। आप घर में रहिए और मेरा चैनल देखते रहिए।
और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो फिलहाल इतना ही, और फिर मैं किसी और अपडेट के साथ आपके साथ जुड़ती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।